नमस्कार छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती की 10वीं कक्षा दूसरी इकाई पूरक पठन कविता पाठ 6 हम इस धरती की संतति है इस कविता का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय। कवि का नाम है यहाँ पर स्वर्गीय उमाकांत मालवीय जी। इन्हें नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। भगीरथ वही थे जिन्होंने हिमालय पर तपस्या करके गंगा नदी को धरती पर उनकी इच्छा अनुसार वे लेकर आए थे। यहाँ पर इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इनका जन्म हुआ है 2 अगस्त 1931 मुंबई महाराष्ट्र में। इनकी मृत्यु हुई है 11 नवंबर 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। बच्चों, इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी। यहाँ पर इनके योगदान हिंदी साहित्य में जो इन्होंने योगदान दिया है, इन्होंने जो कविताएं लिखी है, बालोपयोगी मतलब बच्चों से जुड़ी हुई पुस्तकें लिखी थी, इस वजह से इन्हें नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। इनकी यहाँ पर प्रमुख कृतियों के नाम दिए गए, मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्त प्लाश की कविता कव्वाली जो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, यह एक संगीत की लोकप्रिय विधा है जिसका इतिहास 700 साल से भी पुराना है। 8वीं सदी में ईरान और अफगानिस्तान में दस्तक देने वाली संगीत की अनोखी विधा, शुरुआती दौर से ही सूफी रंगत में डूबी यह विधा 13वीं सदी में भारत में आई। पद्य संबंधी। बच्चों, यहाँ पर जो कव्वाली आपके सामने प्रस्तुत है, एक शान में या तारीफ में गाया जाने वाला या गीत जो होता है, कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर कवि का उद्देश्य क्या है वो आपके सामने बताया गया है कि प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोकझोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ पर हमारे भारत में जो ऐतिहासिक स्त्री पुरुषों ने मिलकर जो काम किया है, अपना नाम किया है, उनके पात्रों और उनके बारे में जानकारी दी गई है। और यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के दो पहिए बताए गए हैं। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह है तो दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर अगर एक पहिया भी अगर ना हो तो रथ नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि स्त्री पुरुष में कोई भी विभिन्नता नहीं होती है, वो एक दूसरे के सहारे बन करके आगे बढ़ सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों में काबिलियत एक समान होती है, कोई किसी से। तो चलिए, इस कव्वाली की पहली कड़ी को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसे लड़कों के समूह ने गाया है। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए जी, क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। बच्चों, ध्रुव तारा की ये कहानी है कि जब हम रोज रात को आसमान में जगमगाते हुए असंख्य तारे देखते हैं, उसमें से जो उत्तर दिशा में सबसे चमकदार तारा है उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ध्रुव की कहानी एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। एक बालक था जिसने अपनी तपस्या और आराधना से विष्णु भगवान को प्रसन्न करके उसने अपना यह स्थान प्राप्त किया था। तो यहाँ पर लड़के बड़े नाज से कहते हैं कि हम उसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, जन्म लिए जहाँ पे ध्रुव जैसे बच्चे जन्मे हैं। बच्चों, आगे वे अपनी तारीफ में कहते हैं, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। बच्चों, प्रहलाद की कहानी आपको अच्छी तरह से पता है, भक्त प्रहलाद जो प्रसिद्ध थे और जो बहुत ही निडर थे, हिरण्यकश्यप के बेटे। अपने पिता के अत्याचारों को उन्होंने सहन किया मगर अपनी भक्ति को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर लड़के ये बताना चाहते हैं कि
हम उस मिट्टी में हुए जहाँ पे प्रहलाद जैसे सच्चे और सही भक्त हुए हैं, जो किसी से डरते नहीं थे, निडर थे, तो वे अपनी श्रेष्ठता यहाँ पर बता रहे हैं। आगे शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। बच्चों यहाँ पर हमारे सामने उन्होंने उदाहरण दिया है, जो लड़के कवाली गा रहे हैं उन्होंने कहा कि हम ऐसे धरती की संतान है जहाँ पर भरत जैसे चक्रवर्ती राजा, जिसके नाम से इस भारत देश का नाम पड़ा है, दुष्यंत और शकुंतला के ये पुत्र थे। ये इतने बहादुर थे कि ये बचपन में ये शेरों के जबड़े खुलाकर उनके दांत भी गिन लेते थे। आगे लिखा है जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। तो यहाँ पर आपको दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है, जयमल और पत्ता। यहाँ पर इन राजपूत वीर योद्धाओं के बारे में बताया गया है, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान भी दे दिया था। ऐसा कहा जाता है जब उनके पैर में चोट लगी थी जयमल जी के, तो उन्होंने राजपूत योद्धा के कंधे पर बैठ करके उन्होंने युद्ध किया था और एक ही वार में ये कई दुश्मनों को मार गिराते थे। इसलिए यहाँ पर लड़कों ने अपने तारीफ करते हुए इन दोनों का भी नाम यहाँ पर अपनी शान में बताया है। इसलिए लड़के अपने पर गर्व करते हुए वे आगे कहते हैं, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, आज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। तो बच्चों यहाँ पर लड़के अपने पर गर्व कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि आप हम सभी के सामने चुप रहिए। अब देखिए आगे लड़कियाँ इनका क्या जवाब देती है। लड़कियाँ कहती है, बातों का जना सौर नहीं, शेखी ना भगारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए। यहाँ पर लड़कियाँ कहती है कि हम किसी से कम नहीं है, तो आपको तो बातों का सौर भी नहीं है, सौर का अर्थ है ढंग भी नहीं है, बात करने की बुद्धि भी नहीं है। शेखी ना भगारे, बच्चों ये मुहावरा है, तो इसका अर्थ है यहाँ पर कि अपनी प्रशंसा स्वयं मत करिए। शेखी ना बगारिए, हाँ चुप रहिए, वो कहती है कि आप अपनी झूठी प्रशंसा मत करिए, आप चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए। वो कहती है कि हम भी उसी धरती की बेटियां हैं जहाँ पर बहुत सारी वीरंगनाओं ने भी जन्म लिया है। अजय क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। बच्चों यहाँ पे लड़कियों का समूह जिन्होंने सबसे पहला उदाहरण दिया है, लक्ष्मीबाई जो जन्मी थी इसी धरती में, इसी मिट्टी में, वो कहते हैं कि हम भी उसी मिट्टी की संतान थी। आपने ये कविता सुनी होगी लक्ष्मीबाई के लिए, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बच्चों ये उस वक्त की कहानी है जब औरतें युद्ध करने के लिए नहीं निकलती थी, फिर भी इन्होंने वो पराक्रम और साहस हमारे सामने प्रस्तुत किया, और आज भी ये लड़कियों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो जो चाहे कर सकती है, वो किसी भी पुरुष से कम नहीं है। बच्चों आगे लड़की अपनी शान में कहती है, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। बच्चों ये जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत है ये रजिया सुल्ताना जी का है, जो भारत की प्रथम महिला शासक थी। दिल्ली के सिंहासन पर इन्होंने अपने पिताजी के इकलौती संतान होने की वजह से इन्होंने वहां पर अपना हस्तक्षेप किया और बहुत सारे युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया। दूसरा चित्र है वीरांगना रानी दुर्गावती जी का। ये इतनी बड़ी योद्धा थी कि इन्होंने अपने पिता के दुश्मनों का सामना किया, मुगलों का सामना किया, और वो युद्ध भूमि में पुरुष का वेश धारण करके वहां पर लड़ती थी, और इसी कारणवश इनकी वहां पर तीर लगने से मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर लड़कियां कहती है कि हम उस धरती की संतति है, हम उस धरती के संतान है जहां पर ऐसी पराक्रमी स्त्रियों ने जन्म लिया। आगे लड़कियां कहती है, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। बच्चों चांद बीबी हुमायूं की पत्नी थी और महिला योद्धा थी।
रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त कर ली थी तो वो इन रानियों को भी अपने कब्जे में करना चाहते थे, पर इन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर की ज्वाला ज्वाला कुंड में आत्मदहन करके अपनी आत्मरक्षा की थी। तो यहाँ पर लड़कियों ने इन दोनों का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हम ऐसी स्त्रियों की जो आत्मसम्मान के लिए उन्होंने इतना बड़ा पराक्रम दिखाया, हम उस धरती की लड़कियां हैं। आगे लड़कियां कहती है, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। बच्चों, सीता माँ की कहानी आपको पता है। सीता माँ की कहानी आपने रामायण में पढ़ी है या फिर आपने रामायण देखा होगा। ऐसी पतिव्रता स्त्रियों ने इस धरती पर जन्म लिया। दूसरा चित्र है सावित्री का, जो सत्यवान उनके पति थे और जिसके प्राण यमदूत ने हर लिए थे। इन्होंने अपनी आराधना और तपस्या से यमदूत को प्रसन्न करके उनसे अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया था और उन्हें वापस जीवन दान दिया था। तो इस प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां भी हमारे धरती पर जन्म ली है। यहाँ पर लड़कियां अपनी तारीफ करते हुए इनका उदाहरण दे रही है कि हम उस धरती के संतान ने जहाँ पर ऐसी पतिव्रता स्त्रियों ने जन्म लिया। बच्चों, आगे लड़कियां कहती है, गर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सही है, ताने सही है, ताने सही है। हम उस धरती की लड़की है। यहाँ पर वो कहती है डिंग जनाब उड़ाना मतलब डिंग मारना मतलब शेकी वगाना। अगर आप अपनी इसी तरह प्रशंसा करेंगे तो आपको मजबूरन ताने सहने पड़ेंगे, क्योंकि हम किसी से कमजोर नहीं है। हम भी उस धरती की संतति है जहाँ पर ऐसी महिलाओं ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने पराक्रम से और अपने साहस से आज भी इतिहास के पन्नों में हम उन्हें पढ़ते हैं और आगे भी जा करके हम इन्हें याद रखेंगे। तो यहाँ पर लड़कियों ने उन्हें जवाब दिया। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई और रजिया सुल्ताना और इसके बाद दुर्गावती, ये सारी ऐतिहासिक पात्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं के रूप में। जो हमने पुराणों में वेद में इनके बारे में पढ़ा है वो है सीता माँ और सावित्री की कहानियां। तो ये पौराणिक पात्र आपके सामने हैं। इस कविता का या कव्वाली का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर कवि का उद्देश्य यही है कि भारत माता के रथ के जो दो पहिए हैं, स्त्री तथा पुरुष, इन दो पहियों से ही हमारा भारत देश विकसित हुआ है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर स्त्री पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर के कोई काम करेंगे तो निश्चित ही उस देश का विकास होगा, उस समाज का विकास होगा। अगर वे एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं और एक दूसरे का साथ देंगे तो कहीं पे भी और किसी भी समय हम आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। इसका उदाहरण हमारे वेद और पुराणों में भी दिया गया है बच्चों, और आज के समय भी हम इस चीज को अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर कवि उमाकांत मालवीय जी ने हमें यही कहा है कि स्त्री पुरुष की समानता हमारे समाज के लिए कितना आवश्यक है, कि हमें एक दूसरे को साथ देना चाहिए, पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पुरुष का उसी प्रकार से साथ देना चाहिए जिस प्रकार से भारत माता के रथ के दो पहिए, अगर एक पहिया भी नहीं रहा तो वह रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो सीता मैया हो, चाहे वो सावित्री हो, चाहे अन्य कोई भी चरित्र हमारे सामने वेदों और पुराणों से लिया गया है, इससे हमें यही बताया गया है कि हमारे समाज और संस्कृति कितनी आगे बढ़ी है इन सब की वजह से। तो यहाँ पर उस धरती के संतान अच्छे संस्कार पाते हैं जहाँ पर ऐसे हमारे सामने हमारे पूर्वज हमारे साथ में है, और आगे जाकर के भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। समय भी जब अंग्रेजों के हम जंजीरों अंग्रेजों की गुलामी के जंजीरों में हम बंधे हुए थे, उस वक्त भी शहीद भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई जैसी पराक्रमी योद्धाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि अकेले पुरुष ने यह कार्य किया है या अकेली स्त्री ने यह कार्य किया है।
ये देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़वाने का कार्य इन दोनों ने मिलकर के किया। इसी तरह से कई स्वतंत्रता सेनानियों ने, कई नागरिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो यहाँ पर हमें कवि यही कहना चाहते हैं कि अगर हमें अपने देश का विकास करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा। हम एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ में रह कर के और एक दूसरे के साथ में बढ़ कर के हम अपने देश का भी आगे विकास कर सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के सामने हम उदाहरण रख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कवि का प्रमुख उद्देश्य यही है, स्त्री पुरुष में समानता होनी चाहिए, उन दोनों को एक दूसरों के साथ में मिलकर के काम करना चाहिए, वे एक दूसरे के पक्ष में होने चाहिए। इस प्रकार कवि हमें इस कविता से बहुत सारी चीजें बताना और समझाना चाहते हैं कव्वाली के माध्यम से। तो यहाँ पर यह कव्वाली कव्वाली समाप्त होती है और इस कविता का अंतिम उद्देश्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। कविता में शब्द संसार के रूप में ज्यादा कठिन शब्द नहीं है, जो थोड़े बहुत है वो मैंने आपको बता दिए थे कविता का भावार्थ स्पष्ट करते समय। तो भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। दतुली का अर्थ है दांत, सौर का अर्थ है अच्छी तरह काम करने की योग्यता या बुद्धि, जौहर राजस्थान में प्राचीन समय में जो प्रचलित प्रथा थी, जहाँ स्त्रियाँ आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर प्राणों की आहुति दे देती थी। खफा अप्रसन्न, नाराज, रुष्ट या क्रुद्ध। टंटा का अर्थ है व्यर्थ का झंझट, झगड़ा, लड़ाई, उत्पात, उपद्रव, खटराव। दो मुहावरे आए हैं बच्चों यहाँ पर, शेकी फगारना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना, डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना। तो ये जो पूरी कविता है बच्चों, यहाँ पर ज्यादा कोई भी कठिन शब्द नहीं थे, जितने थे ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी लिखे गए। तो चलिए, यहाँ पर स्वाध्याय के रूप में आपके सामने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए, इसे करते हैं। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। वर्गीकरण करना है आपको, जो आपकी कविता में नाम दिए गए थे चरित्रों के, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री, जयमल। तो बच्चों, आपका यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है कि आप ऐतिहासिक और पौराणिक नामों में ज़्यादातर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पर आपको दोनों में वर्गीकरण करना है कि ऐतिहासिक नामों में किसका आना चाहिए और पौराणिक। तो पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसके पहले भी मैंने आपके सामने इसकी चर्चा की थी कि ऐतिहासिक में आपको इतिहास संबंधी जो नाम है उसको लिखना है, और जो वेदों और पुराणों से जो कहानियाँ हमने सुनी है वहाँ पर आपको पौराणिक में उन चरित्रों का नाम लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर के रूप में आपके सामने है, ऐतिहासिक में नाम आएगा लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी, जयमल, और पौराणिक में नाम आएंगे ध्रुव, प्रहलाद, सीता, सावित्री, भरत। अगला प्रश्न आपके सामने है, विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। आपको विशेषता पढ़नी है और उसके बाद इसका उत्तर देना है। भारत माता के रथ के दो पहिए, खूब लड़ने वाली मर्दानी, अपनी लगन का सच्चा, किसी को कुछ ना गिनने वाले। तो यहाँ पर आपको नाम लिखने, भारत माता के रथ के दो पहिए, लड़का लड़की, लक्ष्मीबाई, खूब लड़ने वाली मर्दानी लक्ष्मीबाई, साथ में आप दुर्गावती और रजय सुल्ताना का नाम लिख सकते हैं, अपनी लगन का सच्चा ध्रुव, किसी को कुछ ना गिनने वाले जयमल, पत्ता। अगला प्रश्न आपके सामने है, सही गलत पहचान कर, गलत वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी, उत्तर है गलत, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। दूसरा, भरत शेर के दांत गिनते थे, उत्तर सही,
झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है, उत्तर है गलत, झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ध्रुव आकाश में खेले थे, उत्तर है गलत, ध्रुव मिट्टी में खेले थे। बच्चों यहाँ पर आपको गृहकार्य के रूप में आपको दो सहमत अभिव्यक्ति के प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है जननी तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारी होती है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। जननी का अर्थ है माता, जन्मभूमि आपकी धरती माँ, और ये दोनों आपको स्वर्ग से भी प्यारा क्यों है आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसा कि आप जानते हैं कि माता की ममता और जन्मभूमि का जो कर्ज है वो हमारे ऊपर से कभी नहीं उतर सकता, क्योंकि ये दोनों हमें जन्म से पालते हैं, पोसते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार आपको अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है स्त्री शिक्षा के महत्व पर अपने विचार लिखिए। बच्चों स्त्री शिक्षा का महत्व बहुत ही जरूरी है हमारे समाज में। आज भी भारत के कई पिछड़े गांव में लड़कियों को या फिर औरतों को शिक्षा ग्रहण करने नहीं दिया जाता है, तो इसके ऊपर आपको विचार लिखना है कि उनका शिक्षा ग्रहण करना क्यों जरूरी है, और इससे हमारे समाज को, हमारे आने वाली पीढ़ी को और हमारे देश को क्या इसके फायदे हो सकते हैं। बच्चों उम्मीद है आपको ये कव्वाली अच्छी तरह से समझ आ गई है। अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।